बस 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 निकाल निकाल निकाल। नमस्कार दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो आज मैं पहुंचा हूँ पंकज भारद्वाज जी के पास में, जिनके ऊपर मधुमक्खियों ने 9 दिन पहले अटैक किया था और आज भी उनके चेहरे पर सूजन है। मैं आपसे उनको मिलवाता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर इस तरह से कोई सिचुएशन आ जाए, आपके ऊपर मधुमक्खी ने अटैक कर दिया, तो हमें क्या बचाव करना है, कैसे हमें उसको संभालना है, इस पूरी कहानी को हम पंकज जी के जरिए ही सुनेंगे। तो आइए चलते हैं पंकज जी के पास। तो ये है पंकज जी, पंकज भारद्वाज जी। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनके चेहरे पर अभी भी सूजन नजर आ रही है। 9 दिन हो चुके हैं, मक्खियों के काटने के डंक के निशान भी आप देख सकते हैं। और ये हैं मेरे पिताजी ओम प्रकाश पंडित जी। और ये पिछले शनिवार को हवन कराने के लिए गए हुए थे, तो धूप गर्मी की वजह से मक्खियां परेशान हो गई और उन्होंने हमला कर दिया, अटैक कर दिया, काफ़ी लोगों के ऊपर अटैक किया, जिसमें कि पंकज जी को सबसे ज़्यादा जो है मक्खियों ने अटैक किया। फिर पंकज जी के ऊपर लगभग 150 से ज़्यादा मक्खियों ने पंकज जी के चेहरे पर अटैक किया। तो पंकज जी आप बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, अचानक से हमला हुआ तो क्या क्या कहानी, क्या क्या हुआ आप बताइए। यही था, हवन चल रहा था तो मक्खी वगैरह उस टाइम पर मक्खियों का एकदम से ज़्यादा घेरा उस टाइम पर आ गया था। तो उस टाइम बचाव के लिए मेरे को बोला था, तो मैं जैसे ही हवन पर से उठा तो 2-3 मक्खी मेरे साथ थी, ऊपर नीचे मतलब एक तरह से भगदड़ मच गई थी वहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं वहाँ पर एक कमरे में भी गया, तभी मेरे साथ 2-3 मक्खी ऊपर घूम रही थी। तो उस टाइम मैंने सोचा मैं कहीं बाहर निकल जाऊँ मंदिर से, वगैरह क्या पता अभी थोड़ा बहुत पीछा छूट जाएगा इनसे। तो मैं जैसे तैसे करके बाहर निकल गया, वैसे एक आदमी वैसे मेरे आगे वो जैसे अंगोछा वगैरह लेके घुमा रहा था, उस कारण थोड़ी ज़्यादा और मेरे ऊपर प्रभावित हुई। तो मैं मंदिर से बाहर निकल गया तो मैंने बस इतना ध्यान नहीं दिया। उस टाइम पर 2-4 मक्खियों ज़्यादातर संख्या में मतलब मक्खियाँ आती रही और मुंह पर चिपकती रही। तो उस टाइम मैं आवाज़ तो निकाल नहीं पाया मैंने थोड़ा बहुत, हालांकि उस टाइम कुछ पब्लिक वगैरह थी, उन्होंने कुछ ध्यान इतना ध्यान नहीं दिया। उस टाइम हालत थी ऐसी थी तो मक्खियाँ वगैरह आती रही चिपकती रही। तो 15 मिनट तक वो बिल्कुल मुँह कवर कर लिया था मेरा, पूरा चेहरे पर मक्खियाँ बैठ गई थी। हाँ, पूरा फेस कवर कर लिया था मक्खियों ने जी। हाँ, मतलब चुभंसी होने लगी थी। फिर मेरे को मतलब जैसे उस टाइम का सिचुएशन है, थोड़ा बताते टाइम है मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, मक्खियाँ ऐसे आए थे जैसे कानों में घुस गई लगातार 2-3, जैसे नाक में घुस गई 2, ऐसे मतलब 15 मिनट तक। तो मैं एक तो मेरे को ये बोल रहा था वहाँ पर जो आस पास के लोग हैं, मतलब हाथ मत उठाना, आपको मक्खी कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि मेरे साथ अपना ये कपड़ा भी रख रहा था, मैं अंगोछा अपने साथ, लेकिन उस टाइम पे मेरे को ये मन में ये था बस मैं आज मतलब कर देंगे, मेरा नहीं इच्छा। लोगों ने आपको बोला कि हाथ मत उठाना। हाँ, तो आपने अपने हाथ नहीं उठाए और गले में परना होते हुए भी मैंने अपना बचाव नहीं कर पाया। एक जगह वहाँ पर खड़ा रहा तो वैसे मक्खी अपना अटैक करती रही। उस टाइम थोड़ा ज्यादा सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मतलब चारों तरफ मक्खियों वाली मक्खियों की आवाज गूंज रही थी। धीरे धीरे और बढ़ती गई। उस टाइम पे ना तो कुछ मतलब मन में ये आया कि मैं कुछ बचाव करूँ, या बस मन में ये था बस मैं छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा यही सुना था बस ये कुछ नहीं कहेंगे। तो वो धीरे धीरे वो अटैक ज़्यादा होने लगा और नाकों में उसको खून वगैरह निकालने लगी। फिर मैंने थोड़ा बहुत ये सोचा मैं अब तो मतलब क्या तो हो चुका है काम, या देखेंगे। उस टाइम पर मैंने चल के देखा, थोड़ा बहुत मैं चल तो पाया, लेकिन उस टाइम पर आँख ये वगैरह बंद थी मेरे को, पूरा मक्खी कवर। मैंने आपकी वीडियो 2 फोटो देखी थी और मैं अभी वहीं पर पहुंचा हुआ था, तो मैंने देखा पंकज जी के चेहरे पर जो है एक आँख पर 10-10 मक्खियों ने काट रखा था, तो आँखें भी नहीं खोल पाए थे पंकज जी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी आँखें नहीं खुल पाती पंकज जी, क्योंकि आपकी आँखों की पलकों पर मक्खियों ने बहुत ज़्यादा डंक मार रखे थे।
उसी टाइम मैंने वहाँ से चल के देखा, थोड़ा बहुत चला तो गया मेरे से, लेकिन मेरे को रास्ता क्लियर नहीं था क्योंकि मैं बाहर निकल आया था उस टाइम पे। तो मैं धीरे धीरे जैसे मैं दीवार में एक तरह से मेरे टक्कर लगने लगे, कभी खंभा, कभी नीचे पड़ गया, कभी ऊपर, तो उठ के तो थोड़ा बहुत चल के मैं जैसे मंदिर का पीछे वाले गेट थे जो मैंने कभी मंदिर में देखे भी नहीं थे जी। तो उन गेट के अंदर से मैं मंदिर में एंट्री कर ली, मैंने आग में से उठते पड़ते मैं मंदिर के अंदर एंटर हो गया। तब किसी ने मेरे को आवाज़ लगाई कि यहीं पर बैठ जाओ, मतलब कंबल वगैरह डालने के लिए, या सीधे सीधे आए जाओ, सीधे सीधे आए जाओ। तो मैं सीधा सीधा कुछ आया, वो फिर किसी ने पता नहीं, मतलब यही पर कोई साधु वगैरह था, उन्होंने कंबल डाल दिया। कंबल डालते ही मेरे को थोड़ा फिर वहीं पर मैं बैठ गया। उस टाइम देखा वो मक्खी नीचे लटक गई थी, लगभग ऐसे बहुत मक्खियाँ जैसे अपना अटैक करती है और मरी हो जाती है। हाँ, मक्खियों के जो बताया जाता है कि मक्खियाँ जो हैं डंक मारने के बाद जो वो डंक को निकालती हैं, तो उनका जो डंक निकल नहीं पाता, हाँ निकल नहीं पाता, निकल जाता है और उनका शरीर भी फट जाता है। हाँ, जिसके कारण मक्खियों की मौत हो जाती है। मौत हो जाती है उस टाइम जैसे कंबल डालते तो जो ऊपर का घेरा होता मक्खियों का वो तो हट गया था, और जैसे वो जितनी मक्खी थी वो नीचे लटक गई थी जी। तब मैंने थोड़ा बहुत आँख खोल के देखा तो हाँ मैं सोचा हाँ कुछ है, बचाओ कंबल डाले बस बचा हुआ। फिर मेरे को आवाज़ आई, मेरे गुरु जी ओम प्रकाश पंडित जी और रमन भैया थे, और उनकी मतलब वो उस टाइम में ना उन पर फ़ोन भी साइलेंट कर रखा था, फ़ोन उस देखा उन्होंने फ़ोन करके ट्राई कर लिया, मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा था और ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की हो गई थी। और रमन भैया मेरे को पिछली साइड देखने भी गए थे, वहाँ पर मैं मिला नहीं। तो धीरे धीरे मैं फिर उठ के कंबल ओढ़े ओढ़े उनके पास, उनकी आवाज़ सुनाई थी, मैं उनके पास चला गया। वहाँ पर उन्होंने जाते ही अभी मैं आपको ये वो वीडियो भी साथ में शेयर करूँगा कि जब वो पंकज जी गेट से एंटर हुए थे तो वो बहुत ही जो पंकज जी जब गेट से एंटर हुए थे तो बहुत ही भयानक दृश्य था। इनके चेहरे पर लगभग 150 से ज़्यादा मक्खियों ने इनको बाइट कर रखा था, यहाँ डंक लगा रखा था। और उसके बाद जो है वो पूरी कहानी क्या हुई कि पंकज जी हमारे पास नहीं थे, मेरे को भी जो है मक्खी ने यहाँ पे डंक यहाँ बाजू पर डंक मारा, लेकिन मैं बच गया क्योंकि कुर्ते के ऊपर डंक लगा था। और उसके बाद जो है सभी लोग वहाँ से भगदड़ मच गई, सभी लोग दूर दूर हो गए। एक वीडियो भी है अंकित नाम के बंदे की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये भाई साहब है मेरे सामने, क्या नाम भाई साहब आपका? अंकित भाई हैं, जिनके अभी उंगली पर, हाथ की उंगली पर एक मक्खी ने काटा और दो तीन मक्खियों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, अभी भी घूम रही है इधर उधर। 100 से 200 मक्खियां थी। अंकित जी उंगली दिखाओगे आपकी, कहाँ हाथ लगी है आपको मक्खी ने? दिखाना, सूजन आई है? दिखाना एक बार। तो देखिए ये पाँव पे जो है मक्खी ने काटा था और ये सूजन आ गई है। ये देखिए मक्खी फिर से आ गई है इनके पास। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं अगर मक्खी आ जाए तो चुपचाप बैठ जाओ कुछ ओढ़ कर। इस ट्रिक ने आपको बचाया अंकित जी, जो बैठने वाली ट्रिक है उसने बचाया आपको। अभी भी दो तीन मक्खियां आपके सिकुड़ गए, क्या हिम्मत करके जाने की कोशिश कर रहे हैं भाई? अंकित भाई कौन सा गाँव? अंकित भाई रामनगर से है। चलो भाई जा देख, ज्यादा हो रही है मक्खी तो। इनके पीछे भी दो तीन मक्खियों ने अटैक किया था, और जो वो अटैक हुआ तो जो लोग जिन लोगों को पता था कि मक्खियों से कैसे बचाव करना है वो लोग अपना बचाव कर पाए, लेकिन पंकज जी जो है इनका पहली बार वास्ता पड़ा था तो ये बच नहीं पाए। इनके ऊपर मक्खियों ने बहुत ज़्यादा अटैक किया, 150 से ज़्यादा मक्खियों ने इनको जो है फेस के ऊपर काट दिया, डंक लगाया इनको। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि भाई पंकज कहाँ है उसको फ़ोन करो, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। 4-5 बार कॉल किया, फिर मैंने कॉल किया, पंकज फ़ोन नहीं उठा रहा है। कोई पिताजी और टेंशन में आ गए, कहीं बेहोश तो नहीं हो गया है? पंकज और ज़्यादा टेंशन में हो गए, जाओ ढूंढ के लेके आओ। मैं बोला जी मैं कहाँ से जाऊँ ढूंढ के, बाहर तो मक्खियाँ चिड़ी हुई है और वो भी पहाड़ी मक्खियाँ, बड़ी वाली मक्खियाँ, तो मैं कहाँ जाऊँ जी? पिताजी बोले मुझे नहीं पता भाई, ढूंढ के लाओ पंकज को, और पहली बार आया है वो, कहीं इधर उधर ना चला जाए, तालाब भी है मक्खियों में काट के तालाब में ना गिर जाए, या और कुछ अलग अलग ख्याल, बुरे बुरे ख्याल आने लगे। तो फिर मैंने कोशिश किया, मैं दरवाजे से निकला, बाहर जहाँ पर हवन चल रहा था उसके आसपास जो मंदिर था व
वहाँ मैंने ढूंढा पंकज को, आवाज़ लगाई पंकज पंकज पंकज, तो वो जो है पंकज जी वहाँ नहीं मिले। कुछ समय के बाद मैं आवाज़ लगा कर मैं जैसे ही आया अंदर पिताजी के, बोला मैंने कि मेरे को तो पंकज कहीं पर भी नज़र नहीं आया। तभी पंकज जी जो है चलते चलते दीवार को पकड़ते पकड़ते जहाँ हम उस कमरे में बैठे थे वो कमरे को खोलते हैं। जैसे ही खोला तो हमने वो और लोग भी वहाँ बचने के लिए बैठे हुए थे तो वो देखने लगे भी कौन आ गया कौन आ गया ये कौन अभी। जैसे ही कंबल उतारा पंकज जी ने तो वो बहुत ही भयानक दृश्य था, देख नहीं पा रहे थे उनके चेहरे को। तुरंत हमने उनको पंकज जी को लिटा लिया, लिटा कर उनके चेहरे को हमने बोला कि साफ उनके चेहरे पे से जो डंक लगे हुए थे डंकों को निकालते हैं। और डंक को निकालने के बाद मैंने सीधा सा यही सोचा कि डॉक्टर के लेकर चलते हैं तुरंत। तो सीधा जो है हम पंकज जी को डॉक्टर के ले जाने के लिए तैयार हो गए। और फिर जो बोलते हैं देसी जो उपचार के लिए उनको पंकज जी को गाय का घी पिलाया गया थोड़ा सा। और फिर हम सीधे डॉक्टर मुदगिल के यहाँ पहुँचे। डॉक्टर साहब को मैंने कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे 100 से ज़्यादा मक्खियों ने पंकज जी के फेस पे काट दिया है। उनको पंकज जी की फ़ोटो भी भेजी मैंने। डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि कोई दिक्कत नहीं, आप घबराएं नहीं, मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट सारा ट्रीटमेंट करवा दूँगा, अरेंजमेंट करता हूँ, आप लेकर आइए। मैं 15 मिनट के बाद जो है डॉक्टर साहब के पास पहुँच गया और उन्होंने जो ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया पंकज जी का। और पंकज जी आज आपके सामने हैं, स्वस्थ हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर किसी तरह कोई सिचुएशन अगर आप बढ़ जाती है तो सीधे से डॉक्टर के सहायता लें, डॉक्टर के पास पहुँच जाए, कोई भी इसमें लापरवाही ना बरते। क्योंकि पंकज जी की जो हालत थी ना उस समय मैं देख पा रहा था, बहुत ही भयानक दृश्य था और इनके चेहरे बोला नहीं जा रहा था पंकज जी से। और इनके चेहरे पर जो डंक थे वो हमने डंक किए, मेरे साथ एक कौन भाई थे कान से, उन्होंने जो इनके डंक साफ़ किए, गाड़ी पर लेके आया, मैं गाड़ी में बैठाया, उन्होंने डंक साफ़ किए, मैं स्पीड में गाड़ी को डॉक्टर के पास लेकर पहुँचा। तो जब तक वहाँ पहुँचे तो मोहन भाई ने आधे डंक को निकाल दिया। फिर उसके बाद हमने मुझे शक लग रहा था कि पंकज भाई के नाक में कुछ मक्खियाँ हैं, तो मैंने उनसे चिट्ठी मांगी डॉक्टर मैम से, तो उन्होंने चिट्ठी दी, तो मैंने उनके नाक से तीन मक्खियाँ निकाली पंकज जी के नाक से। और नाक में घाव बहुत ज़्यादा थे, नाक के अंदर भी डंक लगा रखे थे। पंकज जी से पूछा कहीं और महसूस हो रहा, बोल नहीं पा रहे थे पंकज जी। लगभग शाम को 5 बजे पंकज जी की जो है नॉर्मल स्थिति थोड़ी सी होनी शुरू हुई, 5 बजे जो पंकज जी बोलना शुरू हुई। तो अभी दोबारा से देखते हैं, पंकज जी से पूछते हैं, पंकज जी से जानते हैं कि और उनके मन में क्या क्या विचार आए थे और कैसे इन्होंने आप लोगों को कैसे बचाव करना है। तो पंकज जी आपके मन में और क्या क्या ख्याल आए, ये थोड़ा सा और बताइए कि आप बचने के लिए आपने क्या क्या किया, क्या आप नाम ले रहे थे, जपने लगे, भगवान को याद किया आपने? हाँ, उस टाइम मेरे मन में भगवान का ही जप चल रहे थे। हालांकि मैं बहुत अपनी अच्छी किस्मत मानता हूँ, मेरे गुरु पितर परमात्मा की वजह से बहुत कुछ मैं बचाव कर पाया अपना और मैं बच भी गया। ना उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, मतलब मन में ख्याल आया था कि क्या कुछ तालाब वगैरह भी था वहाँ पर, तालाब पे मैं सोचा उसमें या तो उसमें जाऊँ कुछ सब पीछा छूटेगा मक्खियों से। लेकिन मैं आँख बंद के कारण तालाब तक पहुँच नहीं पाया। और बाद में मेरे से एडवाइस भी थी कि तालाब बहुत गहरा था, उसमें मौत भी हो सकती। बिल्कुल सही सही रहा कि आप तालाब की तरफ आपने रुख नहीं किया, नहीं तो तालाब जो है बहुत गहरा था, वहाँ से बचना बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, बस यही सबसे पहले तो मतलब मैं आपको यही बताना चाहूँगा, कभी भी ऐसी सिचुएशन भगवान चाहे आपके पास आए, लेकिन ऐसी जगह जैसे मक्खियों का अगर प्रकोप हो या मक्खियों के छत्ते वगैरह आओ तो वहाँ पर या तो जाने से बचे, या जाए तो अपना एक कपड़ा वगैरह परना वगैरह साथ रखें। और सबसे पहले अपना फेस का बचाव करें, फेस ज़रूरी है। हालांकि आपने देखा होगा ज़्यादातर मक्खियों मेरा फेस पर ही अटैक किया था, हाथ वगैरह पे तो बहुत कम पे थे। तो सबसे पहले अपना फेस का बचाव करें। बिल्कुल सही कहा पंकज जी, आपके चेहरे पर जो है सबसे आपके और बॉडी पार्ट पे नहीं, केवल फेस और सिर के ऊपर भी बहुत सारी मक्खियों ने डंक लगा रखे थे। और आशा है कि आप स्वस्थ रहें,
और जल्दी से जल्दी आपकी जो सूजन है वो ठीक हो जाए। और पंकज जी, तो जैसे मैं वहीं था आपके साथ हॉस्पिटल में, आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। हाँ, उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, हालांकि जब अटैक किया तब मेरे को इतना कंडीशन महसूस हुआ नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल में जैसे वहाँ पर टंक वगैरह, जैसे आप रमन भैया और हॉस्पिटल उन्हें स्टाफ ने जैसे टंक वगैरह निकाले ना, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ये बस आगे से ऐसी सिचुएशन आए तो आप लापरवाही ना बरतें, जल्द से जल्द डॉक्टर को संपर्क करें और जल्द से जल्द उन्हें ट्रीटमेंट लें। मैं तो उस टाइम की सिचुएशन बता नहीं सकता आपको, दो तीन दिन तक मुझे नींद नहीं आई रात, जैसे नॉर्मल मक्खी है ना वो भी मतलब वही पहाड़ी मक्खी टाइप लग रही थी। पहाड़ी मक्खी थी? हाँ, जैसे वह ना तो नींद आना उसमें, हालांकि डॉक्टर वगैरह ने मेरे को इंजेक्शन वगैरह दिए थे आपको नींद आ जाएगी, फिर भी मतलब वो भय सा था उस टाइम का। मैंने अपनी फ़ोटो देखी, जब जब मैं अभी अपनी फ़ोटो देखता हूँ ना, तो मतलब मैं आस पड़ोस में किसी को फ़ोटो दिखाई तो मतलब वो फ़ोटो देख के बहुत कम लोगों ने जवाब दिया कि इतनी मक्खियाँ काटने के बाद इतनी मक्खियाँ काटने के बाद भी आप फिर भी मतलब इतनी जल्दी रिकवर कर लिया आपने अपनी बॉडी को। जल्दी रिकवर किया आपने। जी जी, ये पंकज जी का बिल्कुल बताना चाहेंगे, पंकज जी ने हौसला नहीं छोड़ा और बिल्कुल इन्होंने जो है ना दृढ़ता से और इन मक्खियों का सामना किया। पंकज जी ने मुझे बताया था कि पंकज जी आप जो मक्खियाँ मुँह खुलवाने वाली जो बात है वो बता रहे थे। उस टाइम मक्खियाँ जैसे पूरे फेस पर चिपक गई थी और उनकी कोशिश ये थी, जैसे मुँह पर भी मेरे बहुत मक्खियाँ डंक लगा रखा था। उस टाइम पे मैंने एक तो पानी की बहुत कमी महसूस हुई उस टाइम पे, जैसे उनका क्या सीधा मतलब था मुंह के अंदर जाना, लेकिन मैं बहुत इस चीज़ में वो क्या मुंह नहीं खोल पाया उस टाइम में। मुंह आपने खोला ही नहीं, आपने सोच लिया कि अगर मुंह नहीं खोलना। और ये बिल्कुल सही डिसीजन था आपका, अगर आप मुंह खोल लेते ना। आवाज लगाता किसी को बोलने के लिए तो मुंह मेरा खुलता उस टाइम और मक्खियाँ अंदर जाती है, और अंदर का जो कहीं पर जैसे कहीं पर लगा लो आप सांस वगैरह पर अटैक, सांस नली पर सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती तो वो फिर बहुत डेंजर सिचुएशन हो जाती है उस टाइम, बचना मुश्किल। ये पंकज जी आपने बहुत हौसला बनाकर रखा और अपना मुंह नहीं खोला, ये बहुत ही आपने सही डिसीजन लिया और अपने आप को आपने बचाया है। और जिस तरह पंकज जी ने अपने आप को बचाया है, आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें। आप सबसे पहले अपने चेहरे को बचाएं। हाँ, मैं ये लास्ट में भी यही कहूँगा आपसे, आप अपना फेस का पहले बचाव करें, कहीं पर भी जाएं अपना परना वगैरह छोटा मोटा कपड़ा साथ रखें। पंकज जी, आपके जो परिवार वाले हैं, घर वाले हैं, आस पड़ोस से भी मैं देख रहा था वहाँ पर काफ़ी आपके पास फोन पे फोन आ रहे थे और आपका जो परिचय पूछने के लिए कि आप तबियत कैसी है, या उनका क्या रिएक्शन रहा कि आपके जब आपने फोटो दिखाई उनको? फोटो का रिएक्शन तो देख के मतलब एक मेरे फैमिली के बता दो, उस टाइम सिचुएशन ऐसी खराब थी ये उस टाइम एक तो रमन भैया थे और मोनू भैया थे, दुकान से थे, अनजान थे, फिर भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की, हालांकि मेरे को टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट मिल गया। और वहाँ पर हमारे साथ रमन भैया के साथ गाड़ी भी थी, गाड़ी में जल्द से जल्द रमन भैया ने हॉस्पिटल पहुँचाया, वह तुरंत पर मेरा इलाज ट्रीटमेंट चालू करवा दिया था और तुरंत मेरे को ग्लूकोज वगैरह लगा दी थी उस टाइम पर, तो मेरा इस कारण मेरा बचाव बहुत हो पाया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का भी और उस टाइम मेरे गुरु जी का भी, और रमन भैया और एक मोनू भैया थे टिकान से, हालांकि वो अनजान थे लेकिन तुरंत पर मुझे गाड़ी में मतलब उन्होंने गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल तक पहुँचाया, और उस टंक वगैरह सभी रमन भैया और मोनू भैया दोनों निकाले, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी फैमिली का भी जिन्होंने मेरा हौसला बनाए रखा और डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ मुझे अपना सहयोग दिया। यही वह अपने भविष्य में अपने साथ ऐसी घटना हो तो अपना बचाव पहले करें।
बहुत धन्यवाद मेरे गुरु मित्र परमात्मा और मेरे सभी भाई बंधु जाने वाले और सबका आपके आशीर्वाद से आज मैं स्वस्थ हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंकज भारद्वाज जी, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई कि मधुमक्खियों के अटैक से वो किस प्रकार बच पाए, किस प्रकार उनको साथ उठते कंबल डाला और डालने के बाद मक्खियां जो झुंड था वो दूर हो गया। उसके कुछ समय बाद उन्होंने हिम्मत की, वो खड़े होने के बाद में वो अपना रास्ता ढूंढते ढांढते हमारे तक पहुँच पाए। पहुँचने के बाद उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अच्छा ट्रीटमेंट दिया और घर वालों ने बहुत अच्छी सपोर्ट की, घर वालों की इनको पंकज जी को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, इनको संभाला। इनके घर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी करना चाहूँगा। और इन्होंने हौसला बनाए रखा, इतनी मक्खियाँ काटने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे सिचुएशन देख के। आप अपने बारे आप बताइए कि क्या हुआ था जी उस समय, जो पंकज जी जब वो उसमें आपको नहीं मिले थे तो आपने क्या सोचा? हाँ भाई, उम्र बड़ी ज़्यादा होगी, आवाज़ मारी फोन मारे नहीं खाए, मगर बाढ़ गए आवाज़ मारी जब जो आया पंकज को आवाज़ सुनाई दी तो फिर पंकज जी हो आवाज़ के बिल्कुल जी। आपके ऊपर भी मक्खियों ने हमला किया था? नहीं, मेरा पानी आपने कोई मक्खियों का मंत्र पढ़ा था जिससे मक्खियां ना आए आपके पास? हम तो समाधान बढ़ गए। आपने कहा था मैं समाधान बढ़ जा। अच्छा, आपने इशारा किया था इस मंदिर में चले जाओ समाधान बढ़ जा जी। और यो इनके सामने एक बंदा भाग रहा था तो पंकज जी आपको जब बोला गया था समाधान में चले जाओ तो फिर आपने क्या किया? मैं समाधान में गया था, उस टाइम मेरे पीछे दो तीन मक्खी थी, मैं सोचा मैं बाहर निकल गया, दो तीन मक्खियों से ही पीछा छूट जाएगा। अच्छा अच्छा। और मेरे आगे एक बंदा भाग रहा था, वो अपना परना लिए ऐसे घुमा रहा था, वो मक्खी उसकी लहर में घूम रही थी बिल्कुल। अच्छा। और गलती ये थी मैं उसके पीछे पीछे था, समाज से भी निकल के मैं मंदिर से बाहर चला गया पार्किंग में, और वहाँ ये वारदात हुई। आप पंकज जी जब मक्खियों ने हमला किया आप बैठ गए थे या खड़े खड़े? मैं वहाँ पर खड़ा रहा। लोगों ने आपको बोला कि भाई हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ? 25-30 मिनट तक मतलब मक्खियों का अटैक चलता रहा। उस टाइम पर जैसे मैं खून वगैरह निकला उनका, मतलब खून वगैरह निकला ना, तब मेरे को थोड़ा मतलब ये सोचा मैं बिल्कुल मतलब कंडीशन लो हो चुकी है, अब ना तो कोई बचाव है, मक्खियों को पीछा छोड़ना है नहीं। तब मैंने अपना थोड़ा बचाव करने की सोची थी, तब मैं चल के देखा था। जब आप चले थोड़े हाँ तब मैं मतलब मंदिर के अंदर जा पाया, तब किसी ने मतलब कंबल वगैरह डाला, तब कुछ बचाव हुआ। तो आपने जब पंकज को जब देखा मक्खियों ने काट रखा है तो आपका क्या रिएक्शन था? तुरंत अस्पताल ले जाओ। तुरंत अस्पताल ले जाओ।